स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल के अंदर। हम जो है अप्रैल 2022 की क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने दो वीडियोस ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जहाँ पे हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों को राष्ट्रीय परिदृश्यों को काफ़ी कम्प्रिहेंसिवली कवर किया है। जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी, जो मुझे लगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की है, वो मैंने आपको वहाँ समझाने का प्रयास किया है। तो आप उन दोनों वीडियोज़ को देखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। आज का जो हमारा वीडियो है वो जो अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी है, यानी कि स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर है। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट खबरें जो है हमारे लिए हैं। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले जो पुरानी चीज़ें हैं उनका थोड़ा सा रिविज़न कर लिया जाए। सो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके मैगजीन के बैक पेज पर दिए हुए हैं, लास्ट पेज पर। तो इसको हम थोड़ा देखते हैं ताकि हमारा रिवीजन जो है वो हो जाए। सबसे पहले देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को प्रतिवर्ष इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये हमने पढ़ा था फर्स्ट वाले, अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें इसका उत्तर है 15 मार्च। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर देखिए कि जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, जिसको कहते हैं भारत का महापंजीयक, उसने जो सैंपल सर्वे निकाला है उसके अनुसार मातृ मृत्यु अनुपात के अंदर सबसे कम अनुपात किस राज्य का रहा, यानी सबसे अच्छा प्रदर्शन किस राज्य ने किया है। तो जाहिर सी बात है उसका उत्तर है केरला। फिर देखिए नेक्स्ट है सीप्री की जो रिपोर्ट है, जिसके के अंदर वो आर्म्स का जो ट्रेड होता है उसकी एक रिपोर्ट जारी की जाती है सीप्री के द्वारा। तो आपको ये बताना है कि सबसे बड़ा आयातक देश जो है इसके सीप्री रिपोर्ट के अनुसार जो है हथियारों का कौन सा देश है। तो ऑब्वियसली बात है ये भारत है। फिर देखिए नौवां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा की 403 सीटों के लिए 7 चरणों में संपन्न जो चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी ने कितनी सीटें पर जीत जो है वो हासिल की है। तो ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, 255 सीट्स जो है वो बीजेपी ने हासिल की थी। फिर देखिए एक और क्वेश्चन है कि IQAR के द्वारा जो वायु गुणवत्ता रिपोर्ट निकाली गई 2021 में, उसमें विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी जो है वो किसको घोषित किया गया है। तो ध्यान से पढ़िएगा, पहली चीज़ तो ये वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है और दूसरी बात यहाँ पर वो राजधानी पूछ रहा है, देश नहीं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका, नई दिल्ली। क्योंकि अगर देश पूछता तो सबसे प्रदूषित देश यहाँ पर बांग्लादेश ढाका है, और वायु प्रदूषण की जगह अगर ध्वनि प्रदूषण देता तो वहाँ पर भी आपको ढाका ही उत्तर लगाना था। लेकिन यहाँ पूछा है वायु गुणवत्ता के लिए और राजधानी पूछा है तो आपको लगाना है नई दिल्ली। तो ये इसके कुछ आपका रिवीजन हुआ है। अब हम नेक्स्ट जो है हमारे जो आर्टिकल्स हैं उन पर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। फर्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए जस्ट मैं आपको गो थ्रू करूँगी। इसमें इसरो ने जो है SSLV, यानी कि इसको बोलते हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका जो है SS-1 का भू परीक्षण जो है वो किया है। ये SS-1 क्या है, तो ये एक तरीके से इसमें जो है जो ठोस ईंधन होता है उसका ये कार्य करता है। तो देखिए इससे पहले भी इसके कई सारे चरण थे, जैसे कि अगर आप देख सकते हैं SS-2 और SS-3, तो इनका भी जो है इसका पहले से ही जो है प्रक्षेपण हो चुका है, पहले से इसका टेस्टिंग हो चुका है। अभी जो है इसका सॉलिड बूस्टर स्टेज जो है SBS ये स्टेज 1 जो है उसका परीक्षण जो है वो किया गया है। इससे होगा क्या कि इससे जो है ये बाद में जो आपका SSLV D1 जो है उसकी पहली विकासात्मक उड़ान का मार्ग जो है वो इससे प्रशस्त होगा। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कोई क्वेश्चन इसके ऊपर खास बनेगा नहीं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए इसरो के बारे में कुछ दे रखा है कि इसरो जो है इसकी स्थापना जो है अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जो है INCOSPAR के रूप में हुई थी, यानी इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। इसके रूप में विक्रम साराभाई ने सबसे पहले जो है परमाणु विभाग के अंतर्गत इसको 1962 में स्थापित किया था, और आगे चलकर 15 अगस्त 1969 को इसरो के रूप में जो है इसकी स्थापना की गई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे तो नेक्स्ट आर्टिकल भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी हम जस्ट ऐसे ही गो थ्रू करेंगे। तो देखिए चाइना ने जो है अपने सबसे ज़्यादा, यानी पहली बार जो है किसी एक रॉकेट से सबसे ज़्यादा संख्या में, यानी कि 22 उपग्रह जो है 22 सैटेलाइट जो है वो उसने लॉन्च किए हैं, ठीक है। तो ये जो है लॉन्ग मार्च 8 नाम का जो उसका अंतरिक्ष यान है उससे उसने 22 सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित किया है। तो यही इसमें ध्यान रखने वाली बात है, बाकी वो 22 जो चीज़ें हैं वो जो सैटेलाइट्स है उपग्रह है वो किस काम के लिए है किस काम के लिए नहीं है ये आपको इसमें नहीं पढ़ना है। तो अगर आपसे हाँ इतना ध्यान रखिएगा कि जैसे पूछ ले कि भाई ये जो लॉन्ग मार्च 8 है ये जो है ये किसका सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, और हाल ही में चाइना ने कितने उपग्रह जो है वो लॉन्च किए हैं। तो एक साथ पहली बार चाइना ने जो है इतने अधिक, यानी 22 सैटेलाइट्स को जो है वो लॉन्च किया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हो जाती है, इसके अलावा और कोई खास बात इसमें नहीं है। फिर देखिए नासा ने लॉन्च किया मौसम उपग्रह GOEST। तो ये क्या है, ये मौसम उपग्रह है, यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ होंगी वो इस GOES यानी GOES T के द्वारा जो है वो लाई जाएगी।
तो आपसे पूछ लिया कि भाई GOST हाल ही में जो प्रक्षेपित किया गया वो किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया, तो ये नासा के द्वारा किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट, यानी कि पर्यावरण से संबंधित जो भी आपकी जानकारियाँ होंगी वो इसके द्वारा जो है वो पहुँचाई जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए इसका उपयोग भी लिखा हुआ है, यह सैटेलाइट जंगल की विनाशकारी आग, बिजली, प्रशांत महासागर आधारित तूफान, घने कोहरे और अन्य ऐसे खतरों को ट्रैक करेगा जो अमेरिका के पश्चिमी किनारों और हवाई और अलास्का के लिए खतरा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेंगे हाल ही में जिस सैन्य उपग्रह नूर टू का जो है प्रक्षेपण किया गया है, तो ये नूर टू जो है किस देश के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाता है ईरान। ईरान का जो ये सैटेलाइट है, तो आप देखिए इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो नूर टू है ये एक सैन्य उपग्रह है, यानी मिलिट्री उपग्रह है, मिलिट्री सैटेलाइट है, और इसको जो है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स इसके द्वारा एक सैन्य उपग्रह के तहत जो है लॉन्च किया गया है। नूर का जो मीनिंग होता है फारसी में वो होता है प्रकाश, और इसको जो है इससे पहले नूर वन जो है वो भी लॉन्च किया गया था, वो अभी भी जो है 2020 में इसको लॉन्च किया गया था, यानी नूर टू पहली बार लॉन्च नहीं हुआ है, नूर वन इससे पहले भी मिलिट्री सैटेलाइट के रूप में लॉन्च किया जा चुका है। अब आ जाते हैं हम डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में देखिए ये जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको सिर्फ जस्ट गो थ्रू करेंगे कि उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया है। ये क्या है, तो इसको बोलते हैं फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। तो एक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम जो है उसका इनॉग्रेशन जो है वो किया गया है, और रक्षा मंत्री के द्वारा इसको जो है बेंगलुरु के अंदर जो है वो इसका इनॉग्रेशन किया गया है। बस इसमें इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए, जो ICGM सक्षम को जो है अभी कमीशन किया गया, अगर आपसे पूछ ले गया ये सक्षम क्या है, तो ये जो है एक OPV है, यानी कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। ठीक है, हिंदी में कहेंगे इसको समुद्रगामी गश्ती पोत। ठीक है, जो गश्त लगाने के लिए पोत होते हैं उसको अभी लॉन्च किया गया है। तो ये सक्षम आपका नाम जो है वो ध्यान रखना है, और स्वदेशी तकनीक से जो है इसको गोवा शिपयार्ड के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर ICGM की कुछ महत्वपूर्ण बातें भी लिखी गई है कि भाई इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि भाई सक्षम में 30 मिलीमीटर की 2A42 मेडक गन जो है वो लगी हुई है, उसके अलावा इसके अंदर रिमोट कंट्रोल्ड गन भी लगाई गई है, तो कई सारी टेक्नोलॉजीज़ जो है वो इसके अंदर है। इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम जो है वो भी इसके अंदर है, और इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो भी इसके अंदर जो है इंक्लूडेड है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलेंगे, वो है DRDO ने क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का जो है वो सफल परीक्षण किया है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, QKD लिंक कहा गया है इसको, और इसमें देखिए क्वांटम टेक्नोलॉजी जो होती है उसमें क्या होता है कि जो इंक्रिप्शन होता है, मैसेज अगर यहाँ से यहाँ भेज रहे हो तो वो इंक्रिप्टेड रहते हैं मैसेजेस, यानी कि वो जो है बीच में उसका लीकेज जो है वो नहीं होता है। तो उसी तरीके से जो सैन्य जो आपका टेक्नोलॉजी जो होती है, डिफेंस टेक्नोलॉजी जो होती है, वहाँ पर जो है इसका यूज़ जो है वो काफ़ी देखने में आएगा। तो ये QKD यानी कि जो क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन की है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक है, ये जो है आपके डिफेंस के अंदर जो आपके इंफॉर्मेशन होती है उसको लेकर के जो है इसका यूज़ किया जाएगा, तो इसलिए इसका परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, HANSA NG का जो है समुद्री प्रशिक्षण, समुद्र स्तर पर परीक्षण जो है वो संपन्न किया गया है। ये HANSA NG क्या है, तो ये HANSA NG का मतलब होता है न्यू जनरेशन। तो ये क्या है कि जितने भी आपके कमर्शियल पायलट्स होते हैं, कमर्शियल पायलट्स यानी कि जो प्लेन्स उड़ाते हैं, पायलट की जो ट्रेनिंग जो वो लेते हैं, कमर्शियल पायलट लाइसेंस की जो ट्रेनिंग उनको लेनी होती है, तो उन उस दौरान उनको प्लेन्स उड़ाने पड़ते हैं, और वो उनकी कितने घंटे की फ्लाइट्स होती है उस हिसाब से जो है उनको वो सर्टिफिकेट या सॉरी लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है कि भाई हाँ आप जो है आप कमर्शियल पायलट बन गए हैं। तो वो जो जिन प्लेन्स को वो उड़ाते हैं, तो उनके लिए एक फ्यूल एफिशिएंट और चीप, जिसमें सस्ता हो और चीप फ्यूल लगे, वो जो है क्या कहते हैं ट्रेनिंग फ्लाइट्स जो है उसी का नाम HANSA NG है। ठीक है, तो HANSA NG अगर आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर है, और ये जो है इसका समुद्र से भी परीक्षण जो है अभी कर लिया गया है, और ये जो है स्वदेशी टेक्निक से जो है इसको बनाया गया है। इससे होगा क्या कि जो भी कमर्शियल पायलट का जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसको आगे मैं आपको बताती हूँ, ये जो है पेज नंबर 63 पर कंटिन्यूड है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर जो है पिक्चर लिया है। तो देखिए HANSA NG जस्ट इन टाइम प्रीपेड, ये जो है आपका यहाँ पर देखिए इसको, ये है हाँ
ये है भारतीय फ्लाइंग क्लब की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह कम लागत तथा कम ईंधन खपत के कारण वाणिज्यिक पायलट लाइसेंसिंग के लिए एक आदर्श विमान है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हो जाती है। फिर देखिए यहाँ पर एक और न्यूज़ है, लास्ट न्यूज़ जो इसकी है आज की अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी की, वो है DRDO ने किया MRSM यानी मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण। तो ये जो है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे पहले भी वो कई सारी जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है, एग्जाम में ऐसा मतलब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर देखिए इसराइल ने जो है अपनी एक मिसाइल का परीक्षण किया जिसका नाम है BRAC-8। तो आपसे पूछ ले कि BRAC-8 किसकी मिसाइल है, तो ये आपकी इसराइल के द्वारा लॉन्च की गई मिसाइल है। तो ये कुछ न्यूज़ इसके अंदर थी। अब हम जो है आर्थिक परिदृश्य के ऊपर चलेंगे। इस बार डिफेंस और रक्षा, ये जो आपका स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें नहीं है। जैसे कि एक तो आप NU-2 जो है उसको ध्यान रखिएगा, एक आप Hansa-NG को ध्यान में रख सकते हैं, दूसरा आप क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन की को जो है उसको ध्यान में रखेंगे, और उसके अलावा कुछ ऐसी कोई खास खबर है नहीं जिसको याद रखा जाए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो फिर आ जाइए अब आर्थिक परिदृश्य के ऊपर। आर्थिक परिदृश्य के अंदर पहली खबर है बाजार पूंजीकरण मामले में भारत विश्व के शीर्ष 5 देशों के अंदर शामिल हुआ है। फिर से ये न्यूज़ कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम इसको जस्ट गो थ्रू करेंगे क्या इसमें दे रखा है। तो देखिए भारत का जो इक्विटी मार्केट है, इक्विटी मार्केट यानी कि जो शेयर मार्केट है, उसके अंदर पहली बार मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के मामले में विश्व के शीर्ष जो 5 देशों के क्लब है उसके अंदर भारत भी जो है वो शामिल हुआ है। ठीक है, तो ये जो है तो अगर आप यहाँ पे देखें ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है उसके द्वारा उसने कहा है कि हमारे देश का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी पूरे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है जिसको MCAP कहते हैं हमको, हम वो है $3.21 trillion जो कि ब्रिटेन, सऊदी अरेबिया और जो कनाडा है उससे भी ज़्यादा है। यानी कि हम जो है टॉप 5 कंट्रीज़ यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर, बाजार पूंजीकरण के अंदर टॉप 5 कंट्रीज़ के अंदर शामिल हो गए हैं। हमसे पीछे हैं देखिए ब्रिटेन, सऊदी अरेबिया, कनाडा, ये सब जो है हमसे पीछे हैं। फर्स्ट स्थान किसका है, तो ऑफकोर्स जो है अमेरिका का जो है इसमें पहला स्थान है। और उसके बाद जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो अमेरिका शीर्ष पर है, चाइना जो है सेकंड नंबर पे है, जापान है, फिर जो है हांगकांग है। तो ये सब बात के देश हैं लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि भारत जो है शीर्ष 5 देशों के अंदर जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन में शामिल हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा सकते हैं। इसको थोड़ा सा आपको तसल्ली से समझना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्होंने बताई है। तो इसमें आपको 3-4 चीज़ें समझनी होगी। पहला तो आप ये समझेंगे कि ये फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या सिस्टम है। फिर हम समझेंगे कि ये जो एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी, ये संस्था क्या है। उसके बाद में आपको जानना होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन किसको कहते हैं। ये 3-4 चीज़ें अगर आप समझ जाएंगे तो आपको ये आर्टिकल समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये देखिए कि एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी। तो ये जो सेंटर है इसने और टोयोटा मोटर्स जो है, ये आपका टोयोटा किर्लोस्कर मोटर, इन्होंने ये इन दो कंपनियों ने जो है सॉरी ये तो है कंपनी और ये जो है आपका एक सेंटर है यानी कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये अनुसंधान करता है। इन दोनों ने क्या किया है कि एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसमें ये देखेंगे कि जो ये फ्यूल सेल व्हीकल होते हैं यानी कि जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कहते हैं जो कि हाइड्रोजन से चलेंगे, तो ये जो व्हीकल्स हैं ये भारत के पर्यावरण के अनुकूल है या नहीं और भारत के सड़कों के अनुकूल जो है ये व्हीकल्स हैं या नहीं है। तो इसी के तहत इन्होंने जो है एक जो है टोयोटा मिराई करके जो है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च किया है और इसके अंदर जो है आपका हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन उसको कहते हैं कि जब हम जैसे कि हाइड्रोजन निकालने, जैसे मान लीजिए H2O वाटर है, पानी से जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करते हैं तो उसकी कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो होता है कि हम कोल का इस्तेमाल करके जो है इसको अलग करें और एक होता है कि जब हम जो है इसको अलग करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस तकनीक का प्रयोग करें। इलेक्ट्रोलाइसिस तकनीक का प्रयोग करने से हाइड्रोजन अलग हो जाती है और जो ऑक्सीजन जो है उसको हम एनवायरनमेंट में डायरेक्टली आप रिलीज कर सकते हैं जिससे कि एनवायरनमेंट को कोई खतरा नहीं होता। तो इसको हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन का क्या मतलब हुआ कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस की तकनीक से हाइड्रोजन को अलग कर लेते हैं तब जो है उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है और इस हाइड्रोजन को जो है हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं।
अब दूसरी चीज़ में इम्पॉर्टेंट क्या है कि भारत ने जो है, आप याद कीजिए मैंने आपको बताया था, भारत ने एक पंचामृत टारगेट करके साइन किए थे ग्लासगो के अंदर। ग्लासगो में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, COP26 जो हुआ था उसमें उन्होंने ग्लासगो में पंचामृत टारगेट्स दिए थे और उन्होंने कहा कि 2070 तक तो जो है हम हमारे उत्सर्जन को नेट ज़ीरो कर देंगे, यानी कि हमारे यहाँ से जितने भी कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उसको क्या कर देंगे, नेट ज़ीरो कर देंगे। तो ये जो हमारे टारगेट्स हैं इनको अचीव करने के लिए, अब ऐसा तो नहीं बोल के अगर यहाँ हम आराम से सो रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता, चाहे सरकार बदल जाए लेकिन आपने जो टारगेट अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिए हैं वो आपको पूरे करने पड़ेंगे, चाहे कैसे भी आप उसको पूरा करें, उसकी रिपोर्ट आपको वहाँ देनी पड़ती है। तो यहाँ पर इसको पूरा करने के लिए भारत ने जो है हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जो है वो कदम बढ़ाया है और इसीलिए उन्होंने जो है अपनी हाइड्रोजन पॉलिसी भी अभी जारी की है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, एक तो आपको ग्लासगो समिट जो है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए और इस समिट के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाना चाह रही हूँ, ताकि वो 5 मिनट का वीडियो होगा जिसमें आप पूरी चीज़ें पढ़ लेंगे कि पंचामृत टारगेट्स आपके क्या क्या हैं, वो सारे जो है आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है या फिर आपसे जो है, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। दूसरा जो है आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये जो हाइड्रोजन पॉलिसी अभी जो आई थी उसके अंदर क्या क्या प्रावधान जो है वो किए गए हैं, तो इन दोनों चीज़ों को हम कवर करेंगे। लेकिन अभी इसमें जो है काम की बात यही थी कि ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल टोयोटा मिराई जो है उसको लॉन्च किया गया है, यानी कि ये एक तरीके से पायलट बेसिस पर लॉन्च है, इसमें देखा जाएगा कि भाई ये जो है हमारी भारत की सड़कों के लिए उपयोगी है या नहीं है। और इससे क्या होगा कि देखिए ये महत्वपूर्ण पहल जीवाश्म ईंधन यानी जिसको आप फॉसिल फ्यूल कहते हैं, यानी कोयला, ये जो पारंपरिक आपके ऊर्जा संसाधन है उस पर निर्भरता को कम करेगा और स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगा और वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा में जो है आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रिलायंट जो है वो बना देगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको स्टेटमेंट में ऐसी चीज़ें लिख करके आए तो आप इसको सही करके आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलते हैं, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है काफ़ी ईजी सा है, आपको समझ में आ जाएगा। एक संस्था है जिसका नाम है डिलाइट, क्या नाम है, डिलाइट, और इसने एक रिपोर्ट जो है वो निकाली है जिसका नाम है ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 अ ईयर ऑफ रेजिलियंस एंड राइजिंग सस्टेनेबिलिटी। तो रिपोर्ट थोड़ी सी एक बार 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको माइंड में आ जाएगा। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें इन्होंने जो विश्व की 250 कंपनियाँ हैं उनको रैंकिंग दी है कि भाई उनका ब्रांड कैसा है, उनकी ब्रांड वैल्यू क्या है। तो उसमें हमारी भारत की एकमात्र कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस रिटेल, उसको स्थान मिला है। कौन सा स्थान है, 56वां स्थान है और एकमात्र कंपनी है जिसको इसके अंदर स्थान दिया गया है। अगर फर्स्ट की हम बात करें तो इसमें स्थान पाने वाली पहली कंपनी जो है वो आपकी है ये इसका नाम है अमेजोन इंक, सेकंड है आपकी कास्टो होलसेल, और ये इनके नाम आपको अपने को ध्यान नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए कि हमारी रिलायंस रिटेल जो है वो इसके अंदर नाम पाने वाली पहली संस्था है। फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है कि भारत और जापान ने जो अपने द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था है उसका नवीनीकरण किया है। स्वैप व्यवस्था क्या है, इसको हम बोलते हैं बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट। स्वैप का मतलब देखिए सिंपल सी चीज़, ये आर्टिकल काम का नहीं है, आपको स्वैप करेंसी सिस्टम जो है उसको समझना है। देखिए ट्रेड जो होता है वो हमेशा डॉलर में होता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो मुद्रा है उसका क्या वैल्यू है, येन है जो जापान की मुद्रा है उसका क्या वैल्यू है, या जो है अगर किसी और देश की अगर मुद्रा है उसका क्या वैल्यू है, तो मार्केट में अलग अलग वैल्यू की वो मुद्राएं होती हैं। तो इसलिए जब भी कोई ट्रेड किया जाता है तो वो डॉलर्स में किया जाता है, क्योंकि डॉलर को सबसे स्ट्रांग जो करेंसी है वो माना जाता है। लेकिन स्वैप एग्रीमेंट के तहत क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि भारत को अगर जापान से जो है रुपए लेने हैं तो वो भारत रुपए के बदले जापान से डॉलर ले सकता है। अगर जापान से वो डॉलर लेना चाहता है तो वो रुपए दे देगा उतने और जापान से डॉलर ले लेगा, और यही सेम चीज़ जापान भी यहाँ पर कर सकता है। तो ये जो है एक दो तरफा एग्रीमेंट है, यहाँ आप इसको देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर अमेरिकी डॉलर के बदले अपनी स्थानीय मुद्राओं की अदला बदली जो है वो की जा सकती है। यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं, इस व्यवस्था के तहत भारत रुपए के बदले जापान से डॉलर प्राप्त कर सकता है और जापान येन के बदले भारत से डॉलर मांग भी सकता है। तो ये जो होता है स्वैप एग्रीमेंट किया जाता है। तो अभी स्वैप एग्रीमेंट जो है जापान के साथ में इसका नवीनीकरण किया गया है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, फिर देखिए एक और रिपोर्ट है जिसके बारे में हमको पढ़ना है, तो ये है वेल्थ रिपोर्ट, इसका नाम है द वेल्थ रिपोर्ट, और इसको जो है नाइट फ्रैंक के द्वारा जो है निकाला जाता है। नाइट फ्रैंक क्या है, तो ये संपत्ति सलाहकार फर्म है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई है और इसमें अरबपतियों को काउंट किया जाता है कि भाई किस देश में कितने ज़्यादा अरबपति रह रहे हैं। तो इस बार बधाई हो हमारे भारत के अंदर जो है अरबपतियों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि वो तीसरे स्थान पर जो है इसमें स्थान हासिल किया है। वेल्थ रिपोर्ट में थर्ड स्थान पर हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर 145 जो लोग हैं वो अरबपति हैं, यानी कि यहाँ अरबपति की डेफिनेशन क्या है
कि जिनके पास में 30 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 226 करोड़ रुपए जो होते हैं या इससे अधिक की संपत्ति होती है उनको हम जो है ये बोलते हैं अरबपति बोलते हैं, यानी कि अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल उसको कहा जाता है। और ये कहा गया है कि भाई जो इस बार जब कोविड-19 आया तो उसके दौरान हमारे यहाँ पर डिजिटल क्रांति एक और हुई और जो है ऑनलाइन सब चीज़ें होने लगी और उसके तहत जो है इक्विटी मार्केट यानी कि जो शेयर मार्केट है उसके अंदर भी जो है लोगों ने निवेश करना शुरू किया और काफ़ी पैसा जो है वहाँ से भी बनाया। तो ये जो है उस डिजिटल क्रांति के कारण जो है यहाँ पर ये वृद्धि देखने को मिली है। सबसे ज़्यादा अगर अमीर लोगों की बात करें तो अरबपतियों की बात करें तो वो USA में है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर अमीरों की गिनती नहीं हो रही है, ये अरबपतियों की गिनती हो रही है, ठीक है। तो अरबपतियों के अंदर जो है भारत के अंदर 145 जो है ऐसे संख्या बताई गई है जो कि अरबपति हैं और विश्व के अंदर जो है इसमें दूसरा स्थान जो है तीसरा स्थान जो है वो हमारे भारत का है। उसके अलावा अगर देखें तो भारत के अलावा जो है सबसे ज़्यादा इन्होंने बताया है कि भाई अमेरिका के अंदर जो है सबसे ज़्यादा अरबपति जो है वो हैं। तो 748 अरबपतियों को जो है वो USA के अंदर जो है वो है। उसके अलावा सेकंड स्थान जो है वो चाइना का है जहाँ पर आपको 554 अरबपति जो है वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है भारत ने जो है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के साथ मेजबान देश समझौता यानी कि होस्ट कंट्री एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। अब इससे होगा क्या, तो सबसे पहली चीज़ तो ये जानिए कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन जो यूनियन है ये संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN जो है आपकी उसकी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यानी कि विशेष एजेंसी है और ITU के अंदर यानी कि जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है इसमें 193 जो देश हैं वो इसके अंदर जो है वो शामिल हैं और 900 से अधिक निजी क्षेत्र की संस्थाएँ और शैक्षणिक संस्थाएँ जो है वो इसके अंदर सदस्य हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी इसको लेकर के। और इसमें जो है भारत ने होस्ट कंट्री एग्रीमेंट जो इसके साथ साइन किया है उससे होगा क्या कि मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर के बाद क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र के 2022 के मध्य तक शुरू होने की संभावना है। नवाचार केंद्र स्टार्टअप्स और SME को वैश्विक स्तर पर अपने नवाचार को प्रदर्शित करने का अवसर जो है वो प्रदान करेगा। तो ये तीन चीज़ें जो इसके साथ होगी कि भाई नवाचार केंद्र स्थापित करेंगे क्षेत्रीय कार्यालय होने से और इससे जो है जितने भी नवाचार केंद्र हैं शिक्षाविद हैं स्टार्टअप्स हैं SMEs हैं यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको वैश्विक स्तर पर अपने नवाचार को प्रदर्शन करने का अपने इनोवेशन को प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। तो इसका ये फ़ायदा जो है वो भारत को होने वाला है। तो ये होस्ट कंट्री एग्रीमेंट किसके साथ में साइन किया है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के साथ में भारत ने होस्ट कंट्री एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। इंपॉर्टेंट बात है इसको याद रख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। तो देखिए SEBI ने इस बार क्या किया है, SEBI आप जानते हैं जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, जो आपको प्रतिभूति मार्केट है यानी शेयर मार्केट है तो उसके अंदर जो रेगुलेशंस होता है कंपनीज़ का वो SEBI के द्वारा किया जाता है। ये एक नियामक निकाय है, नियामक यानी कि रेगुलेटरी बॉडी है। तो SEBI ने भी एक घोषणा की है कि जितनी भी ऋण प्रतिभूतियाँ होती है तो उसके अंदर जो भी निवेशक होते हैं उनको 2 लाख की तक की वो खरीद कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। उस इन्वेस्टमेंट की सीमा जो है मतलब UPI के थ्रू जो आप मोबाइल से जो पेमेंट करते हैं ना UPI के थ्रू तो उसमें ये जो लिमिट होती है उसको 2 लाख से बढ़ा करके जो है वो 5 लाख कर दी है ताकि निवेश को जो है और भी बढ़ाया जा सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें निवेश कर पाएँ। तो 2 लाख से बढ़ाकर इसकी सीमा को जो है SEBI ने कितना किया है, 5 लाख रुपये किया है। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी, ध्यान रखने वाली बात है। अब देखिए फीचर फ़ोन के लिए UPI सुविधा जो है इसको लॉन्च किया है। फीचर फ़ोन कौन सा, वो अपने बटन वाला फ़ोन होता है तो उसमें भी जो है अब UPI जो है वो यूज़ किया जा सकता है। UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि देखिए हमारे जो RBI के गवर्नर हैं उन्होंने कहा कि बिना इंटरनेट के जो फीचर फ़ोन होता है उसके लिए UPI का नया वर्जन UPI 123 Pay उसको लॉन्च किया गया है। तो उसमें आपको UPI 123 Pay जो है वो लिखना पड़ेगा और उससे जो है आपको इसमें पेमेंट जो है वो किया जा सकेगा। इसके अलावा इन्होंने कहा है, यहाँ पर जो आपको क्लियर नहीं दिख रहा है उसको मैं पढ़ के बताती हूँ कि यहाँ पर जो है लिखा गया है कि इसके साथ ही RBI गवर्नर ने डिजिटल लेन देन के लिए 24/7 यानी 24 घंटे सातों दिन जो है डिजी साथी को भी लॉन्च किया है। 24/7 डिजी साथी जो चलने वाला एक एप्लीकेशन है डिजी साथी इसको भी जो है उन्होंने लॉन्च किया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है डिजी साथी ये मैंने यहाँ बताया है। फिर देखिए UPI 123 Pay के जरिए यूजर्स को UPI के स्कैन एंड पे फीचर को छोड़कर बाकी सारे फीचर्स मिलेंगे। आप स्कैनिंग करते हैं UPI QR कोड की तो वो नहीं मिलेगा, बाकी सारी जो सुविधाएं होंगी वो इस फीचर फ़ोन में आपको अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है।
तो ये इसमें इंपॉर्टेंट बात थी। डीजी साथी के बारे में देखिए क्या लिखा है। देखिए डीजी साथी जो है इसको डेवलप किया है आपके एनपीसीआई ने, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखिएगा। डीजी साथी किसके द्वारा डेवलप किया गया है? एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया है। ये वही एनपीसीआई है जो कि आपके जो आपका भीम है और ये जो रुपए कार्ड है जो जिसने लॉन्च किया है वही एनपीसीआई है जिसने कि डीजी साथी को भी लॉन्च किया है या बनाया है। डीजी साथी सेवा वेबसाइट और चैट बॉट के माध्यम से ग्राहकों को डिजिटल भुगतान उत्पादों और सेवाओं से संबंधित प्रश्नों और शिकायतों की सहायता जो है वो प्रदान करेगा। जो भी क्वेश्चन होंगे आपके कि भाई किस तरीके से पेमेंट करना है, कैसा क्या करना है, वो सारे प्रश्नों के जवाब जो है वो डीजी साथी के अंदर दिए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है इसके अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है कि वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर को लॉन्च किया गया है। तो वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर जिसको वर्चुअल SGKC कहा गया शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर, SGKC का ये मतलब होता है। ये क्या है? तो देखिए दिमाग लगाइए यहाँ पर कि स्मार्ट ग्रिड, ग्रिड यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो ग्रिड होते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है उसके अंडर में आते हैं, तो वहाँ पर जो है किस तरीके से जो आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर किस तरीके से इनोवेशन को, यानी कि अन्वेषण जो होता है, इनोवेशन जो होता है उसको, उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा सकता है और किस तरीके से वहाँ पर अनुसंधान को बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए जो है इस वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का जो है वो उद्घाटन किया गया है। तो ये किस लिए बना है कि भाई देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है और इसमें एक एजेंसी की और हेल्प ली गई है जिसका नाम है यूसेड, यानी कि यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसका भी यहाँ पर सहयोग लिया गया है। और इनका उद्देश्य देखिए सिंपल सा है कि भाई जो है आपका इसका लक्ष्य है स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों में इनोवेशन, उद्यमशीलता, अनुसंधान को बढ़ावा देना, बिजली वितरण क्षेत्र में क्षमता विस्तार करना और विश्व स्तर पर उत्कृष्टता के प्रमुख केंद्रों में एक बनना। तो ये इसका सीधा सा जो है वो लक्ष्य है, तो ये तो आपको ध्यान रह जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। यह भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जो है उसको स्टार्ट किया गया है। तो देखिए ये जो कार्गो टर्मिनल है ये अगर आपने पढ़ा हो कि 2021 में गति शक्ति करके योजना जो है उसको स्टार्ट किया गया था और ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। और इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो आपकी जो है अवसंरचना है यानी इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि रोड है, रेलवेज़ है, पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, इन सब की कनेक्टिविटी के लिए जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके अंदर निवेश किया जाएगा। तो उसी के तहत जो है ये आपका भारतीय रेलवे का पहला गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल जो है उसको बनाया गया है और इसको जो है आपके भारतीय रेलवे के आसनसोल मंडल जो है जो कि थार पाकर के अंदर है वहाँ पर जो है इसको सफलतापूर्वक शुरू किया गया है। तो इसमें इतनी ही बात आपको जानने योग्य है और उसके अलावा आप इसमें जो है ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही आपको इसमें याद रखना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए कि जो है डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश के मामले में भारत जो है विश्व में दूसरे स्थान पर है। तो देखिए ये वाली जो ये जो डेटा है ये भी एक संस्था है जिसका नाम है DealRoom.com, तो उसके द्वारा जो है उसका एक सह निवेश संस्था है जिसका नाम है लंदन एंड पार्टनर्स, इनके द्वारा जो है एक आधिकारिक विश्लेषण जो है वो दिया गया है और उस आंकड़ों के अनुसार ये कहते हैं कि भारत डिजिटल खरीदारी या शॉपिंग क्षेत्र की कंपनियों के लिए वैश्विक उद्यम पूंजी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। यानी कि यहाँ पर जो है जो डिजिटल शॉपिंग्स होती हैं उसके अंदर जो वैश्विक वर्ल्ड से जो निवेश आ रहा है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर निवेश जो है भारत में करते हैं, सबसे ज़्यादा वही USA में निवेश होता है, सेकेंड नंबर पर जो है ये इंडिया के अंदर निवेश किया जाता है। तो इसमें भी इतनी ही बात जाननी योग्य है, कुछ ज़्यादा खास बात इसमें थी नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। अब देखिए काफ़ी जो है एक प्रोग्रेसिव न्यूज़ है कि सूचीबद्ध जो भी कंपनियां हैं, लिस्टेड जो कंपनीज होती हैं उसका बोर्ड जो मेंबर्स होता है, लिस्टेड कंपनीज कौन सी होती है, अब चाहे जो स्टॉक एक्सचेंज में इनका नाम होता है, तो जो लिस्टेड कंपनीज़ है उनके जो बोर्ड होते हैं उनके अंदर महिलाओं के मामले में, अगर उस बोर्ड में महिलाओं की संख्या कितनी है, तो इस मामले में जो बांग्लादेश जो है वो शीर्ष स्थान पर है। और ये किसने कहा है, तो एक इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है उसने जो है ढाका स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा एक अध्ययन किया गया है और उसमें उन्होंने कहा कि भाई जितने भी लिस्टेड कंपनीज़ हैं ना यहाँ पर वो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश जो है पूरे दक्षिण एशिया में, पूरे साउथ एशिया के अंदर जो है, साउथ एशिया के जितने भी देश है उसके अंदर जो है इसका टॉप पे स्थान है कि भाई यहाँ पर बोर्ड के अंदर कंपनीज़ के जो बोर्ड है उसमें महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। तो ये इसमें जो है काम की बात थी। फिर यहाँ पर देखिए कि उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हुए IFC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने जो ढाका स्टॉक एक्सचेंज है और UN वुमेन और संयुक्त ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ जो है
सातवें वर्ष में रिंग द बेल फॉर जेंडर के लिए जो है वो भागीदारी की है। तो ये रिंग द बेल फॉर जेंडर क्या है, तो ये एक तरीके से जो है महिला भागीदारी को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत इन सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो हालांकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि भाई जो सूचीबद्ध जो कंपनियाँ हैं उनके बोर्ड के अंदर सबसे ज़्यादा अगर महिलाओं की संख्या है तो वो कहाँ पर है, तो बांग्लादेश की कंपनीज के अंदर वो है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अब देखिए आज का जो लास्ट न्यूज़ हम पढ़ने वाले हैं वो है ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण हेतु NMDC और IIT खड़गपुर के मध्य जो है MOU साइन हुआ है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि NMDC क्या है। NMDC एक कंपनी है जिसका नाम है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इसने और IIT खड़गपुर ने मिलकर के जो है एक MOU साइन किया और उसके तहत इन्होंने कहा है कि भाई जितने भी आपके मिनरल्स होते हैं यानी खनिज पदार्थ होते हैं तो इनको जो है इनका जो अन्वेषण यानी कि इनके बारे में जब रिसर्च करते हैं कि भाई कहाँ पर कितना खनिज है क्या है, उसको जो है ड्रोन के माध्यम से जो है वो किया जाएगा। तो इसके लिए, इस टेक्नोलॉजी के लिए इन दोनों ने आपस में जो है वो MOU को साइन किया है। तो इससे देखिए क्या होगा कि इसमें जो है नए एक NMDC का समझौता नया अध्याय खुलेगा तथा देश के लिए खनिज अन्वेषण के क्षेत्र में मानक स्थापित किए जाएंगे। फिर देखिए NMDC जो है यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है भारत का पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम होगा जो देश में खनिजों के अन्वेषण के लिए ड्रोन आधारित भू भौतिकी सर्वेक्षण और हाइपर स्पेक्ट्रल का जो है वो अध्ययन करेगा। ड्रोन का पहली बार इस्तेमाल करने वाला जो है ये पहला संस्थान जो है वो बनेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है यहाँ पर। उसके अलावा देखिए NMDC और क्या काम कर रहा है। तो NMDC जो है मध्य भारत के हीरा उत्पादक राज्यों में भी पहली बार स्पेस जियोफिजिक्स का इस्तेमाल करने वाली पहली कंपनी बनी है। इसी तरह वे अन्वेषण आंकड़ों की ऑनलाइन निगरानी करने के लिए भुवन पोर्टल का इस्तेमाल करने वाली भी पहली कंपनी जो है वो बनी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए जो है आपके NMDC के पर्सपेक्टिव से, तो इसको ध्यान में रखना है हमें। सो हमारा जो वीडियो है वो 30 मिनट्स का हो गया है, तो मैं चाहती हूँ कि इसको जो है 30 मिनट्स पे ही हम जो है बंद कर दें। नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसके अंदर हम इस क्योंकि ये भी और थोड़ा सा बाकी है इसमें, तो इकोनॉमिक न्यूज़ को कवर करेंगे और प्रादेशिक परिदृश्य को जो है हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आप बने रहिएगा चैनल के साथ में, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, बाय।